बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपने चावल खाए भी होंगे और लोगों को खिलाए भी होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो चावल आप तक पहुंचता है, ये किन स्टेज से गुजर कर आप तक ये आता है। चावल जमीन में बो दिया, उसके बाद उसकी कटाई कर ली, कटाई के बाद ये चावल जो है ये एक मिल में आ जाता है या फैक्ट्री में आ जाता है, वहां से इसका प्रोसेस क्या है, इसको कैसे साफ किया जाता है, इसको कैसे पैकिंग की जाती है इसकी, और इसको पॉलिश कैसे किया जाता है, ये सब आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिस्मिल्ला राइस मिल्स के ऑनर जनाब कमरुज़्ज़मान साहब। ये आज हमें डिटेल के साथ बताएंगे कि ये चावल जो है किन मराहल से गुजर कर हम तक पहुंचता है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको लिए चलता हूं अंदर इनके साथ, ये हमें बताते हैं इसका टोटल प्रोसीजर क्या है। ये हमारी होदी है, इसमें हम जो है ना माल आता है ना जब मंडी से हमारा, तो यहाँ हम इसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद ये हमारा छानना, ये एलिवेटर है, एलिवेटर से माल ऊपर जाता है, फिर उस छानने में आता है, छानने के बाद ये नीचे इस छानने में आ जाता है, ठीक है जी। इस छानने में आके फिर दोबारा इस एलिवेटर में चला जाता है। जब ये एलिवेटर में चला जाता है, आगे बिन है, बिन में स्टोर हो जाता है माल। उसके आगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमने इसको तैयार करना हो, स्टीम करना हो, सेला करना हो, अगर इसकी सुखाई करनी हो तो डायरेक्ट हम उसके ड्रायर के अंदर डाल देते हैं, तो वो तकरीबन कोई 8-9 घंटे बाद माल तैयार हो जाता है हमारा कच्ची सोख में। उसके बाद ये जब सुखाई हो जाता है तो फिर हम इनको माल को निकाल कर ना इन गंजियों में लगा देते हैं, ये जो बड़े बड़े चट्ठे पड़े हुए हैं। जब छानने से जो कचरा होता है ना, जो इसका कुंडी वगैरह होती है, जो इसके अंदर थोथ वगैरह होता है, वो यहाँ निकल जाता है, मट्टी वगैरह जो चीज़ भी होती है ना वो इस कुंडी में आ जाती है, वो उधर ब्लोर लगा हुआ है, ब्लोर के साथ इधर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है जी, इसके साथ इधर अंदर आ जाता है, या फिर ये जो होता है ना स्टोर हो जाता है माल, फिर यहाँ से लोग उठा कर ले जाते हैं। ये हमारा बॉयलर, ठीक है, ये है वाटर वाल, ठीक है जी, ये वाटर वाल जब इससे स्टीम बनती है तो यहाँ हम फक जलाते हैं और इसके अंदर लकड़ी भी हम जलाते हैं, ठीक है जी। जब ये लकड़ी और फक जलती है तो इसकी स्टीम बनती है, स्टीम से इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारी ये पैडी को हम स्टीम देते हैं, सेला बनाना वो देते हैं, अगर इसको हमने सुखाई करना हो तो इस ड्रायर के अंदर हम इसकी सुखाई करते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर जब ये सुखाई होती है तो इसके अंदर ब्लोर लगे हुए हैं, वो स्टीम देते हैं, स्टीम से गर्म हवा बनती है, गर्म हवा से ये माल हमारा ड्राई होता है, ठीक है। ड्राई होने के बाद फिर हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। अब हमारा इन ड्रायरों से माल निकलता है ना, जो चीज़ हमने तैयार करनी होती है, सेला, स्टीम या जिसको हम कच्ची सोख बोलते हैं, रफ,
तो वो जब हम उसको निकालते हैं ना वहाँ से, तो वो फिर हम इन गंजियों में लगा देते हैं। ये जो बड़े बड़े चट्टे बने हुए ना, इनमें लगा देते हैं। लगा के इसके ऊपर तरपाल दे देते हैं, तरपाल दे के इसको जो साइडों से बंद कर देते हैं। अब बारिश, तूफान, अंधेरी जो भी हो, उसका कोई डर खतरा नहीं होता। ये बिल्कुल सेफ पड़ा हुआ माल, बेशक 2 साल पड़ा रहे, इसको कोई खतरा नहीं है। ये जब ड्रायरों से माल आता है ना, तो इन स्टॉक बिन में आ जाता है। स्टॉक बिन में ये तकरीबन कोई 1000 बोरी का आ जाता है, 1000 बैग, 1000 बैग इसमें स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद ये लेबर हमारी ये माल को बोरियों में भरती है। भरने के बाद ये इन जो हमने हमारे जट्ठे हैं, गंजिए हैं, वहाँ लग जाता है माल। और बाद का हमारा ये माल लगा हुआ है गोदामों में। अगर हमने इसको डायरेक्ट चलाना है, तो फिर ऐसे चट्ठे लगा के इसको डायरेक्ट चला देते हैं। ये जब हमारा माल आता है ना ड्रायर और इन बिन्स में से, ये फिर हम इधर इसका ना चट्टा लगाते हैं बड़ी बड़ी दांकों में, ठीक है। यहाँ से फिर हम इसको लेकर जाते हैं, ये हमारा अंदर दोबारा छानना फिर लगा हुआ है, ये हमारा छानना है, ये हमारा छानना है। वहाँ से हम माल लेकर आते हैं, यहाँ काटते हैं, यहाँ काट के फिर उधर चला जाता है, सफाई होता है, ठीक है। सफाई होने के बाद ये आगे चला जाता है, यहाँ माल सफाई हो जाता है। ये जो ड्रायर, इसके अंदर बाकट लगी है, ये माल को ऊपर उठाकर लेकर जाती है, ये माल को ऊपर उठा रही है, उसके बाद ये उसके अंदर चला जाएगा। यहाँ माल सफाई हो जाता है बिल्कुल साफ, कोई कट्टा नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है, बिल्कुल साफ। ये जो हमारे रबड़ रोल, एक ये है और ये है, ठीक है। इनमें से जब पैड़ी आती है ना इनके अंदर, तो ये इसको खांजन कर देते हैं, इसका ऊपर से छिलका उतारते हैं, ये छिलका उतारते हैं। यहाँ चावल साफ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ये हमारे रूल है, यहाँ से आगे माल आता है इस सेपरेटर में, इस सेपरेटर में आ जाता है माल, वहाँ से निकलता है, इस सेपरेटर में आता है, इस सेपरेटर में ये शक्ल इख्तियार कर लेता है, ये शक्ल इख्तियार करता है, ब्राउन, ये इस तरह का इसका कलर होता है, ये इस तरह का, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे होता है, साफ हो जाता है, चावल बन जाता है। ये हमारा टोटा, जो चावल टूट जाते हैं या इनके आगे जो नका होता है ना चावल का, जो टूट जाता है, वो यहाँ निकल जाता है, ठीक है जी। ये होता है छोटा दाना, टोटा, जिसको B1 B2 बोलते हैं, ये वो चीज़ है, शॉर्ट ग्रेन B1 B2, ये चीज़।
ये है जी चावल, जब पीछे से आ जाता है तो ये इसका दड़ा लग जाता है, ठीक है। ये बड़ा ढेर है, ये चावल है पैड़ी के आगे, ये मुकम्मल ये तैयार हो जाता है। इसके बाद हम इसको आगे पॉलिश करेंगे, ये है खाम। इसके बाद हम इसको अगली मशीन में, जो प्रोसेसिंग मशीन है, उसके अंदर जो ब्लैक दाना होगा वो रिजेक्शन वगैरह निकल जाएगी और वो वाइट हो जाएगा। ये है ब्राउन चावल जो हमने पीछे देखे थे ना, ये है ब्राउन चावल। यहाँ से ये आगे चले जाते हैं, आगे मशीनरी लगी हुई है तो वहाँ ये पॉलिश हो जाते हैं। हम अब आगे जाएंगे। ये है कौमी, यहाँ पे जो उसके अंदर आ जाता है ना सूत्री सेबा या कोई टाका वगैरह, वो यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद ये आ जाता है डी स्टोनर, इसके अंदर ये कील वगैरह पत्थर जो चीज़ होती है वो निकल जाती है, स्टोन ये निकल जाते हैं। ये है डी स्टोनर, इससे ये कचरा वगैरह जो भी हो दांती चीज वो निकल जाती है। उसके बाद आगे ये आ जाती है रील, ये रील इसका भी वही है, इसके अंदर जो को वांड होता है मुंजी का दाना पैड़ी का वो निकल जाता है। उसके बाद जो पत्थर वो भी इसके अंदर निकल जाता है। उसके बाद ये आ जाता है पॉल्चर, ये चैना का पॉल्चर है, ये हल्की बाफ देता है इसको, ये माल को हल्की बाफ देता है, ब्राउन को हल्की बाफ देता है, इससे जो माल है वो सफेदी की तरफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से निकलता है, इसके अंदर आ जाता है, ये हमारा है सिंगल सिंगल पास, ये देखिए अब सफेदी की तरफ माल आ रहा है, ये सिंगल है, यहाँ से निकलता है, इसके अंदर भी आता है और इसके अंदर, यहाँ से जब निकलता है तो फिर इनके अंदर आ जाता है। ये देखिए ये माल अब हो गया सफेद, आपको नजर आ रहा है कि ये अब हो गया सफेद। सफेदी के बाद ये फिर सेम ही ऐसे ही है, यहाँ से ऐसे ही है, सफेद है जितना वही करेगा ये, और दोनों सेम एक जैसे, ये क्वालिटी है। अब यहाँ से निकल जाएगा ये आगे हमारी सिल्की मशीन, वाटर पॉल्शर में ये जा जाएगा सिल्की की तरह। अब आ गए ये छानने, यहाँ से अलहदा अलहदा चावल अलहदा, उसके बाद टोटा अलहदा, शार्ट ग्रीन अलहदा, अलहदा अलहदा आ जाती हर चीज। यहाँ से फिर आ जाता आ गए ये लेंथ ग्रेडर हमारे, पहले इसके अंदर फिर इसके अंदर फिर यहाँ से इनके अंदर, ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे आने के बाद ये मुकम्मल एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, यहाँ से फिर आ जाएगा ये इस रील में, ठीक है। यहाँ अगर कोई दाना ऐसा वैसा हो तो फिर उसके बाद ये आ जाता है इधर, ये हमारी कलर साल्ट है, दो है, एक ये एक वो है, दो कलर साल्ट है। इनके अंदर जो डैमेज दाना होता है ना डिसकलर, वो अलहदा हो जाता है, और जो वाइट प्योर वाइट होता है उसको अलहदा निकाल देते हैं, ये इसको बोलते हैं कलर साल्ट। ये माल ऊपर से आ रहा है, ये इनके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे जो वो अलहदा अलहदा कर रहे हैं, ये रिजेक्टर हैं, ये कैमरे इनके अंदर लगे हुए, ये डैमेज दाना निकालते हैं, डैमेज दाना निकालते हैं, जो डैमेज होगा वो अलग कर देंगे और जो वाइट होगा वो अलग कर देंगे। ये साफ माल ज़्यादा इधर है, ये बिल्कुल साफ हो गया, ये साफ हो गया, 1-2% इसमें डैमेज होगा, ये बिल्कुल साफ है।
पीछे का माल तैयार हो जाता है ना, तो ये इन बिनों में आ जाता है। तो फिर हम ये बैग में भराई करके फिर इनको आगे लगा देते हैं, फिर मार्केट में हम भेज देते हैं मुख्तलिफ आड़तों पे। ये बिल्कुल तैयार हो गया चावल, ये बिल्कुल तैयार है, पैकिंग हो रही है। यहाँ पैकिंग होके फिर हम आपको दिखाएंगे आगे, ये जहाँ हम इसको स्टॉक करते हैं। ये जो इनकी पैकिंग है ये 25 केजी में है और 20 केजी में है, ठीक है। तो इनको हम 25-20 केजी में लगाकर ये मार्केट में हम सप्लाई कर देते हैं। ये हमारा ब्रांड है शाहजहान, शाहजहान ब्रांड है ये हमारा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें कमर जुमान साहब ने हमें बड़ा डिटेली बताया कि चावल इन तक कैसे पहुंचता है और फिर आगे ये किस तरह उस चावल को हम तक पहुंचाते हैं, किन स्टेज से उसको गुजरना पड़ता है, कैसे पॉलिश होता है और फिर वो हम तक पहुंच पाता है। अपने होस्ट इरफानुल हक को इजाज़त दें, मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक बहुत शुक्रिया।